किले पे हमला करो, चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बच कर जाने ना पाए। आक्रमण। किले का दरवाजा तोड़ दो, किले पे कब्जा कर लो। महाराज ने मुझे किले की रक्षा करने का हुक्म दिया है, मैं तुम्हें इस किले में घुसने नहीं दूंगा। जय महाराज धीराज। जब तक मैं यहाँ हूँ इस किले के अंदर कोई भी नहीं घुस सकता। आक्रमण। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो, किले पर कब्जा कर लो, दरवाजा खोलो, तोड़ो दरवाजा। मुझे किले की रक्षा करने का हुक्म दिया है, मैं तुम्हें किले पे कब्जा नहीं करने दूंगा। जय महाराजा धीराज। भूला रे भूला। इनकी भूलने की बीमारी का इलाज डॉक्टर भटावड़ेकर से कराना होगा, वरना ये तो कभी ठीक नहीं होंगे। अरे यार गट्टू, पहले अंदर तो चलो, इलाज बाद में करना। आगे मत बढ़ाना, वहीं पे रुक जाओ। तुम महाराज के किले में कब्जा नहीं कर सकते। मामला गंभीर है बट्टू, वो खुद को किसी महाराज के सिपाही समझ रहे हैं। उत्तरी, बट्टू का सिक्स सेंस कह रहा है यहाँ खतरा है, खतरा यहाँ कुछ होने वाला है। थैंक यू बट्टू, हमें तो पता ही नहीं था कि यह खतरा है। अब ये सोचो कि करना क्या है। अरे करना क्या है, अभी बट्टू उसे कान से पकड़ेगा और बाहर निकाल देगा। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं गट्टू। और तुम बट्टू को बिल्कुल मत रोकना, उसकी इस भूलने की बीमारी को बहुत सह लिया। तुम इस डोर को नॉक करते रहो ताकि उसका ध्यान इधर रहे, और मैं ऊपर की खिड़की से अंदर जाके उसके सिर पे टपली मार मार के उसकी याददाश्त वापस ले आऊंगा, और फिर सारे तीर उसकी नाक में बारी बारी चुभोते जाऊंगा। तुम डोर नॉक करो, हम खिड़की से जाते हैं। अरे नहीं, वो मेरा शिकार है मेरा। चाचकास, अब मेरे और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। उत्तरी, अरे यार गट्टू, उधर नॉक करना बंद करो। अरे इधर देखो, इधर मैं नॉकआउट हो गया हूँ। बट्टू, ओह नो, चलो हम डॉक्टर भटावड़ेकर की लैब से फ्रिज के रास्ते अपने ऑफिस में जाते हैं। टिंगटोंग को फ्रिज के रास्ते के बारे में नहीं पता है, हम अचानक निकल के उनके सिर पर मारकर उन्हें ठीक कर देंगे। ओके, यस यस, ये सारी चीजें ओके बाय एयर, एयर डिलीवरी कर दो जल्दी।
गट्टू बट्टू, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कोई जंग लड़के आ रहे हो। मैं जंग ही लड़ रहे हैं डॉक्टर, टिंगटोंग ने ऑफिस में कब्जा कर लिया है। वो खुद को किसी महाराज के वॉरियर समझ रहे हैं। उनकी याददाश्त चली गई है डॉक्टर। पानी चाहिए, बहुत देर से प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। अरे यार, ये फ्रिज है या शुरैक? यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, देखो मेरे आविष्कार। अब हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आओ बट्टू। ये क्या बवाल है, जी का जंजाल है। मैंने ये कहा कि यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ये गदा मैंने दुश्मनों के लिए बनाई है, उसे दे दो, वो हमें मारने आएगा तो गदा से खुद ही मार खाएगा। डॉक्टर भटावड़ेकर, कुछ ऐसा दीजिए कि हम टिंगटोंग को कंट्रोल कर सकें। ये स्प्रे ले जाओ और उस पे स्प्रे कर दो, उसके पूरे बदन में खुजली होने लगेगी, और वो जब बदन में खुजलाने लगे तो तुम उसके सिर पे मार के उसे ठीक कर देना। थैंक यू डॉक्टर। चलो बट्टू, हम फ्रिज के रास्ते से अंदर चलते हैं। रुक जा गट्टू, पहले बट्टू जाएगा क्योंकि वो बट्टू का शिकार है। आज बट्टू उसे ठीक करके रहेगा। आओ बट्टू के साथ। सोड़ेगा नहीं। क्या हुआ बट्टू? अरे वो बट्टू का शिकार नहीं है, बल्कि बट्टू उसका शिकार है। हर बार मैं ही फंस जाता हूँ। अरे वो तोप लगा के बैठा है तो। बैठा नहीं है, तोप लेकर आ गया है। बदन खुजलाना बंद करो और भागो। महाराज की जय हो। खबरदार, जो महाराज के किले की तरफ आंख उठा के भी देखा तो। एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर ये है कि हम बच गए, और बुरी ये है कि टिंगटोंग ने डॉक्टर भटावड़ेकर की लैब में भी कब्जा कर लिया है। ओके, फुल स्पीड, फुल फोर्स। अरे ये क्या हो रहा है? लो साहब जी, क्या हो रहा है? चाय पियो साहब जी। मेरी कमर। किसे क्या ऑफिस का दरवाजा तोड़ रहे हो? चोरी कर रहे हो? यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोशिश के तो मैं तुम्हें दो। सर, ये ऑफिस हमारा है और टिंगटोंग ने इस पर कब्जा कर लिया है। आप उन्हें धमकाएं तो शायद वो आपसे डर के दरवाजा खोल दे। जय महाराज धीराज, जय महाराज धीराज। तुम सब लौट जाओ, वरना एक भी नहीं बसेगा।
हेलो टिंग टोंग, ध्यान से सुनो, मैं हूँ इंस्पेक्टर मनमाने, चाय पियो बिन छाने। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून के हाथ ही नहीं बल्कि पैर भी बहुत लंबे होते हैं। मैं तुम्हें दौड़ के पकड़ लूंगा। हाँ। उत्तरी, बट्टू का सिक्स सेंस कह रहा है यहाँ खतरा है, खतरा, यहाँ कुछ होने वाला है। अब कोई खतरा नहीं, उसने सिर झुका के हथियार डाल दिया है। आवाज में दम होना चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, समझा? सर, भागो! मैं भागता नहीं, भगाता हूँ। देखना, वो अभी दरवाजा खोलेगा और कहेगा, ओए सरेंडर! ओए सरेंडर! ओए सरेंडर! गोले बाजी बंद करो, बंद करो ना! साथी में ले जाओ उस मार्गी। पूछो पापा, सिस्टर्स, ब्रदर्स, भाइयों, सरेंडर, सरेंडर। मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ। जय महाराज, जय महाराज धीराज, जय महाराज धीराज। नहीं नहीं नहीं, हवलदार चम्मच सिंह चाय लेकर आओ। अभी लाया साहब जी, अभी लेकर आओ। शत्रु, अभी भी समय आ गया है, लौट जाओ। तुम महाराज के किले में घुस नहीं सकते, घुस नहीं सकते। महाराजा धीराज की जय। अब बहुत हो गया अत्याचार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब देखो मेरा आविष्कार। ये उड़न खटोला है, इसमें बैठ के उड़ जाओ और ऊपर से हमला करो। अरे गट्टू, बट्टू इसमें उड़ता हुआ जाएगा और चिमनी में से किचन में उतर जाएगा। वो तो डोर पे नजर रखे है, लेकिन बट्टू पीछे से जाके उसे टपली मार के ठीक कर देगा। ठीक ठीक है, हम आगे से जाएंगे और उसका ध्यान डाइवर्ट करेंगे ताकि तुम पीछे से आ सको। डन। वो देखो, उस फ्लाइंग मशीन पर लिखा है यूज मी। लगता है सरकार ने हमारे लिए पब्लिक टॉयलेट बना दिए हैं। चलो यूज करते हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, चलो भागो भागो। चलो साथियों। ये चिमनी का रास्ता ही सही रहेगा। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, ऐसे ही युद्ध करते रहो। हाँ?
नौजवान, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हें सेनापति घोषित करता हूँ। को पकड़ लेगा उसे 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। इनाम सॉरी टिंग टोंग, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और हम गलत बात और गलत आदमी का साथ कभी नहीं देते। अरे गट्टू छोड़ना मत उसे, आज उसकी हर बीमारी का इलाज कर दो। अरे गट्टू तुम उससे लड़ रहे हो, बट्टू से नहीं। युद्ध समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। बट्टू हमें राजा महाराजा बनना होगा। शाबाश मेरे सिपाही, शाबाश। तुमने दुश्मन का बड़ी बहादुरी से सामना किया। अब एक काम करो, ये युद्ध बंद कर दो। ओ शाबजी महाराज की जय, शाबजी महाराज की जय। अरे हम खुश हुए, बहुत खुश हुए। हम तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करते हैं। अरे हम तुम्हें हीरे जवाहरात से सम्मानित करेंगे और तो और हम तुम्हें अपनी कई रियासतें इनाम में देंगे। इनाम में नौकली महाराज दुश्मन के भेदी नहीं सोऊंगा। गट्टू बट्टू सर, मैं यहाँ इस गेटअप में क्या कर रहा हूँ? मैं बताता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टिंग टोंग आप अंदर जाइए, जल्दी कीजिए जल्दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे लैब बर्बाद कर दिया, तुम्हारा ऑफिस बर्बाद कर दिया। उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया डॉक्टर, उन्हें भूलने की बीमारी है। वैसे तो वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है। गट्टू बट्टू सर, आपका ऑफिस तो अंदर से पूरी तरह टूटा फूटा पड़ा है। मेरे होते हुए यह कैसा हो गया मुझे पता नहीं साहब जी, लेकिन मेरे रहने का क्या फायदा अगर मैं आपके ऑफिस की देखभाल ना कर सकूं? मैं जा रहा हूँ। सॉरी साहब जी, माफी चाहता हूँ, मेरी सारी गलतियों को माफ कर दीजिएगा और मुझे भूल जाइएगा साहब जी। पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे,
भूखे प्यासे रात रात भर सड़क के किनारे सोएंगे। कहीं इनकी याददाश्त चली गई तो वो किसी को ये भी नहीं बता पाएंगे कि वो है कौन, कहां से आए हैं। पता नहीं उनका क्या होगा। वैसे हमारे सिवा उनका दुनिया में कोई और है भी तो नहीं। बट्टू तुम रो रहे हो? नहीं तो? तो आंखों से पानी क्यों बह रहा है? अरे वो मुझे जुकाम हो गया है। लोगों की नाक बहती है ना, वैसे बट्टू की आंखें बहती हैं आंखें। ग्रीटिंग टॉन, अरे रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। अमर रुक जाओ। अरे तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ये ऑफिस में जो टूट फूट हुई है ना, उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, हम हैं। हम ये डॉक्टर भटावड़ेकर, इनका कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और टूट फूट हो गई। टूट फूट, हमें छोड़ के तुम नहीं जा सकते। तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगे। आज से मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो, समझे?